आपके साथ और आज बुरे बासी खा रहे हैं सीएम। तस्वीर आपको दिखाते हैं, नहीं खाऊंगी भैया। आज श्रमिक दिवस पर श्रमिकों का सम्मान करने के लिए श्रमिकों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री श्रमेव जयते। उनके पीछे लिखा हुआ बैनर पर भात खाते हुए विजुअल ले लेना, भात खाते हुए विजुअल ले लेना। बोरेबासी खाते हुए इसमें चावल थोड़ा नमक डालकर प्याज के साथ खाया जाता है और बोरेबासी। अब देखिए इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उन श्रमिकों के सम्मान में ये खाया जाता है जो श्रमिक बहुत अधिक लजीज, बहुत अधिक जायकेदार व्यंजन नहीं खा सकते। हर रोज़ के दिहाड़ी पर, मजदूरी पर जाने वाले लोगों के पास एक ये बेहद महत्वपूर्ण पौष्टिक भोजन जो कम से कम और खर्चे पर अधिक से अधिक पौष्टिकता देने वाला ये भोजन है, जिसमें बचे हुए बासी चावल को पानी में घोलकर नमक डालकर खाया जाता है, जो इस गर्मी में शरीर के लिए फायदेमंद होता है और दिन भर धूप में काम करने वाले लोगों के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। और ऐसा भोजन करने के बाद दिन भर मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले लोग दरअसल इस तरह का भोजन करते हैं, जो कि ग्रामीण अंचलों में जो व्यवस्था हर घर में हो उस व्यवस्था के अनुसार सबसे उचित और मुफीद ये माना जाता है। और तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, बोरेवासी भोजन की जो परंपरा है वो छत्तीसगढ़ के उन श्रमिक भाई बहनों के लिए वरदान है। जो विधा है बोरेबासी खाने की, एक बड़े कटोरे में बासी चावल और पानी, नमक डालकर प्याज के साथ, मिर्च के साथ स्वादानुसार खाया जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए, और ये रायपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही बोरेबासी जिसे पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने बहुत प्रमोट किया था और इसे एक बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम की तरह मनाए जाने के लिए डिज़ाइन किया था। एक बड़ा इवेंट पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा, पूर्व की सरकार द्वारा चलाया गया था, जबकि इस पूरे मामले पर सियासत उस वक्त गरमाई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इसके संबंध में बातचीत की गई, सवाल पूछे गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि ये तो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, हर रोज़ हम खाते हैं बोरेबासी और इसे राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन करते हुए, बोरेबासी खाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी तंज कसते हुए इस पर निशाना साधा था कि हम श्रमिकों के साथ भोजन कर सकते हैं, क्या वे कर सकते हैं। अब उस वे में उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर था,
मुख्यमंत्री की ओर था, किस ओर था, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं और यहाँ बोरेवासी खाते नज़र आए हैं मुख्यमंत्री श्रमिकों के साथ, उनके कैबिनेट के कुछ सहयोगी भी। तो मजदूर दिवस के अवसर पर आज श्रमिकों के साथ भोजन करने बोरेवासी खाने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये दरअसल श्रमिकों का सम्मान यहाँ पर किया गया और साथ ही श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोरेवासी भोजन किया है और यहाँ से भोजन करने के बाद रवाना होते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये रायपुर से सीधी ही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, बोरेवासी खाते नजर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अब वहाँ से वो रवाना हो चुके हैं, श्रमिकों के साथ बोरेवासी का भोजन करते दिखाई दिए विष्णुदेव साय। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ कांग्रेस नेता के ही विवाद और फिर राधिका खेड़ा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने तंज कसा। केदार गुप्ता ने कहा कि राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ में पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये मोदी की